हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड करी थी, और अगर देखें तो देखिए पेटीएम में मैंने आपको कल बता दिया था मार्केट में गिरा हुआ है शेयर 40% तक। बट अगर हम बात करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती भी नजर आ रही है, वो शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही इग्नोर करने के लिए कहा था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश की, तो देखिए यहाँ पर कल मैंने लिख दिया था कि अगर मार्केट आज के दिन में गिरती है तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर तबाही होती हुई दिखाई देगी। बट मार्केट यहाँ पर रिकवर कर गई और फाइनली एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आई। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें करी और उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर बात करने वाले आज की डेट में एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो पहले भी कुछ दिन पहले आपको बताया था, शेयर उस टाइम भागा, भागने के बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया जस्ट बिकॉज ऑफ पूरी मार्केट गिरती हुई नजर आई। अगेन उस स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उस स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। एज वेल एज यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर किसी को पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है, किसी को नहीं पता किस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चूज कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर सॉफ्ट किते हुए दिखाई देंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस पे हम यहाँ पर आपको चीजें दिखाते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो बनती है, वीडियो में भी वही चीज करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा तरीके से करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं matrimony.com। matrimony की बात करूं, कुछ दिन पहले ही बताया था ये वीडियो। अगेन मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीजें मुझे अच्छी नजर आ रही है। ओके, गिरता हुआ नजर आया था जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ रीजन था। ओके, पूरी मार्केट यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही थी, इस वजह से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये कंपनी एक तो लीडिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और लीडर इन मैच मेकिंग, एक्सपेंडिंग इन टू $55 billion मैरिज सर्विसेज, ओवर 3000 प्लस एसोसिएट एंड 120 प्लस कंपनी ओन रिटेल आउटलेट। तो ये कंपनी सिंपल आपको मैच मेकिंग ही करके नहीं देती, एक पूरा का पूरा मेन्यू प्रोवाइड कर देती है। अगर आपका मैच मेकिंग हो गया, उसके बाद इफ यू वॉन्ट टू बुक बैंकेट, ओके बैंकेट ये करा के देते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी सर्विसेज लाइक फूड से रिलेटेड पूरी शादी जो कराते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा पैकेज भी जो mandap.com के नाम से यहाँ पर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर कास्ट में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में यहाँ पर अपने लिए ब्राइड या ब्राइड ग्रूम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप उनको उस हिसाब से भी यहाँ पर इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और ये मार्केट बहुत बड़ा है। ओके, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देगी फ्यूचर में, और ये शेयर आपको अच्छे खासा पैसा बनाता हुआ दिखाई देगा। बट हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं छोटे से पर्पज से कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर शेयर क्या दिखाई देता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी काफी बेहतरीन है, और यहाँ पर भारत मैट्रिमोनी का अगर बात करें तो इसकी तो एडवर्टाइजमेंट कौन करते हुए दिखाई देते हैं, MS धोनी, एलाइट मैट्रिमोनी एंड कम्युनिटी मैट्रिमोनी। तो यहाँ पर अच्छे खासी यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। कास्ट वाइज इनकी मैट्रिमोनी यहाँ पर दिखाई देती है, स्टेट वाइज यहाँ पर मैट्रिमोनी दिखाई देती है। देखिए मैट्रिमोनी साइड से मतलब भारत मैट्रिमोनी नहीं, असम के लोगों के लिए अलग, बंगाली, बिहार, गुजरात, हिंदी मैट्रिमोनी, यहाँ पर हर एक तरीके की, यहाँ पर उर्दू मैट्रिमोनी, मतलब हर कास्ट, हर रिलीजन, हर किसी के लिए पारस मैट्रिमोनी, पंजाबी मैट्रिमोनी थे यहाँ पर। इसके अलावा रिलीजन वाइज यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। यहाँ पर सोशल इनिशिएटिव की बात करें तो अलग अलग इनकी यहाँ पर भारत ब्लड बैंक्स .com यहाँ पर इन्होंने कुछ इनिशिएट ले रखे हैं। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, और शादी केवल ये सिंपल यहाँ पर डाइवोर्सी के लिए भी कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मांगलिक के लिए अलग है, डिफेंस मैट्रिमोनी अलग है, एलाइट मैट्रिमोनी अलग है, कम्युनिटी मैट्रिमोनी अलग है, वेडिंग बाजार .com, mandap.com इनकी ऐसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरा आपको, वेन्यू बैंकेट हॉल से लेके यहाँ पर फूड से लेके पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। एज वेल एज यहाँ पर रिलेटिव मैट्रिमोनी मतलब हॉरोस्कोप ऑनलाइन, मतलब आप हॉरोस्कोप के थ्रू जैसे आप राशि वगैरह चेक कराते हैं वो भी आप यहाँ पर जाके करा सकते हैं। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, नंबर 1 कंपनी है मोबाइल साइट्स पे, लैपटॉप किसी पे जाके कभी
अभी भी यहाँ पर इसे सर्व कर सकते हैं। ओके, कब बाकी कंपनी के बारे में हमने यहाँ पर जान ही लिया। और बहुत बड़ी मार्केट है, छोटी मोटी मार्केट भी नहीं है। और बात करें मार्केट कैप की तो 21 से 45 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। पी की बात करें 41 का पीई है। आरओसी आरओई की बात करें 19 और 16 का है, काफी अच्छे यहाँ पर आरओसी आरओई है। 24% का यहाँ पर डेट भी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। 1242 रुपए से यहाँ पर शेयर यहाँ पर 937 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है, और गिरावट के बाद यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। यहाँ पर कंपनी को आए हुए यहाँ पर 2017 में आई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और कंपनी पेंडेमिक में चली है। और अभी की बात करूं मैं पिछले 6 महीने की या 1 साल की भी बात करता हूँ, तो देखिए इसी लेवल पर शेयर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में, बट यहाँ पर चीजें अब चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे कंसोलिडेट में, तो आपको सेल्स पता चलेगी कंपनी की। यहाँ पर सेल्स देखिए, यहाँ पर एक ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का सेल्स अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्वार्टरली बेसिस पे सॉरी। और यहाँ पर देखेंगे पैंडमिक में थोड़ी सी यहाँ पर असर पड़ा था, बट जैसे ही पैंडमिक खत्म हुआ ओके यहाँ पर सेल्स बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जब शादियाँ रुकी हुई थी, अब यहाँ पर लोग ब्राइड ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को यहाँ पर सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़की लड़की यहाँ पर एक दूसरे को ये यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी फैमिली यूज करती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें उसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो देखिए सेल्स यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सेल्स ईयरली बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट 14 करोड़ का 17 करोड़ हो गया, ईयरली बेसिस पे 10 करोड़ से 17 करोड़। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर नंबर्स आने शुरू हो गए, तो हाईएस्ट एवर नंबर यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, आगे के लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। बट शॉर्ट के पर्पज से भी अगर हम बात करें कंपनी बेहतरीन रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे जा सकते हैं कि कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। 100 को 101 करोड़ रुपए से लेके यहाँ पर 10 साल के अंदर 4 गुना यहाँ पर कंपनी हो चुकी है, मोर देन 4 टाइम्स। और यहाँ पर जो प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा था ओके 2016 तक, अभी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 52 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पिछले 12 महीने में हुआ है, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 41 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इवन इफ यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें तो इनके एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिजर्व की बात करें, कंपनी के रिजर्व जो नेगेटिव में थे 275 करोड़ के सेप्टेम्बर क्वार्टर के, हर अच्छे खासे रिजर्व है। बोरिंग की बात करें 70 करोड़ रुपीज की इनके पास बोरिंग भी है। यहाँ पर देखें इन्वेस्टमेंट 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें कंपनी का कैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 218 करोड़, तो कैश बढ़ रहा है, यहाँ पर रिजर्व्स बढ़ रहा है और थोड़ी सी यहाँ पर बोरिंग भी बढ़ी है, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, मतलब इनके अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर बुक करते हैं तो तुरंत यहाँ पर पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, 70 करोड़ रुपए यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। आरओसी आरओई यहाँ पर देखिए जो कि अच्छी पहले अच्छी खासी हुआ करती थी वो घटती हुई दिखाई दी, तो यहाँ 2021 में देखे तो 19% की आरओसी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखिए 50.17% की होल्डिंग यहाँ पर अभी भी प्रमोटर्स की बनी हुई है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो इस क्वार्टर में, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर 3 महीने के अंदर कंपनी यहाँ पर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है 22% से 25% यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। डीआईएस ने थोड़ी सी कम करी है, जो यहाँ पर कम करी है वो किसने खरीद ली है, वो एफआईज ने खरीद ली है। इसके अलावा हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास केवल 9.05% की होल्डिंग है, केवल 9% की। तो याद रखिएगा कंपनी काफी बेहतरीन है, और 9% की हिस्सेदारी का मतलब है कि लगभग 200 करोड़ के आसपास आप समझ लीजिए। तो 200 करोड़ के लिए तो कोई भी ऑपरेटर ना इसे बहुत जल्दी इसे एक्टिव इसे ऑपरेट कर सकता है, इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 2-3 टारगेट से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी जनवरी 2021 में, और अभी चल रहा है 23 नवंबर 2021, तो लगभग 10-11 महीने हो चुके हैं ओके। और यहाँ पर देखिए तो एक ही रेंज में ऊपर नीचे इसी रेंज में घूमता हुआ शेयर नजर आ रहा है, और एक बेहतरीन सपोर्ट पे तो मैं देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है इस शेयर में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, उसी सपोर्ट पे यहाँ पर अभी सपोर्ट बनाया, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो देखिए अलग अलग यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई चीजें नजर आ रही है। देखिए ऊपर के लेवल पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ लिया, इसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पर लेती हुई नजर आई, इसके बाद बात करें तो नीचे के बेसिस पे देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है, इसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट कम यहाँ पर लिया इसने, दो बार सपोर्ट, इसके बाद यहाँ पर बात करें तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है,
ओके और इसी तरीके से यहाँ दोबारा सपोर्ट, तो कंपनी यहाँ पर सपोर्ट ऊपर के लेवल से एज वेल एज नीचे के लेवल से लेती हुई नजर आ रही है, और ये सपोर्ट काफी बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। याद रखिएगा अब शेयर को नीचे नहीं ऊपर जाना है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाता है तो 10-20-50 रुपए के लिए यहाँ पर ये रिस्क ले लिया जा सकता है, और ये रिस्क नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर और यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और चीजें भागती हुई नजर आएगी, थोड़ी चीजें समझी जाती है, तो समझ के हमें अगर हम काम करेंगे तो हमारा पैसा अच्छा खासा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कप विद हैंडल, यहाँ पर एक कप बनाया, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक हैंडल बनने के बाद ये जो टारगेट होते हैं ना, तो ये टारगेट अचीव होते हैं, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ये सूनर और लेटर, मतलब या तो तुरंत या फिर थोड़े बहुत टाइम में यहाँ पर आपके टारगेट अचीव करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इस टारगेट के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि कितने परसेंट का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो कितने रुपए तक मिल रहा है, तो देखिए लगभग लगभग 1580 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है। शेयर ट्रेड कितने पे कर रहा है, 938 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, और टारगेट कितना नजर आ रहा है, टारगेट 1581, और अगर हम बात करें यहाँ पर कितना ये नजर आ रहा है, 67% के यहाँ पर रिटर्न नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1000 रुपीस के आसपास यहाँ पर वीडियो बनाई थी, अब जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पर गिरती हुई नजर आई तो ये भी शेयर रिट्रेस हुआ, बट यहाँ से यहाँ पर चीजें ऊपर चलनी है। अगर किसी के पास यहाँ पर है होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता है, और किसी के पास अगर बीच में लिया है तो यहाँ पर एवरेज कर सकता है, और वो भी एवरेज कर सकता है। एवरेज करने के बाद जब एक प्राइस बीच का निकल के आएगा, चीजें निकलेगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा यही ही नजर आता है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग 28% का, जो कि इसका ब्रेकआउट यहाँ से अगर चीजें ऊपर निकली तो समझिएगा फिर यहाँ तक ही पहुंचते हुए नजर आएगी। तो एक तो ब्रेकआउट ये हो गया, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और टारगेट की हम बात कर लेते हैं, कौन से टारगेट की, तो ये टारगेट नजर आ रहा है ये वाला। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर, यहाँ पर एक और यहाँ पर टारगेट नजर आता है, तो वो कौन सा टारगेट है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, ओके शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके यहाँ पर हेड बना, और हेड बनने के बाद यहाँ पर एक और शोल्डर बनाया, और शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, बट ब्रेकआउट यहाँ पर ऊपर फेल होता हुआ दिखाई दिया, और उसी के आसपास यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और इससे पहले भी यहाँ पर ही सपोर्ट लिया था। तो याद रखिए ये जब चीजें निकलेगी तो यहाँ पर जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पर जब ये टारगेट निकल रहा है तो ये टारगेट भी अच्छे खासे तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर लंबे टाइम का, थोड़ा सा लंबे टाइम का अगर नजरिया की बात करें तो ये टारगेट यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा ही बढ़ रहा है बट बढ़ रहा है, 100 रुपये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 1684 रुपये। तो देखिए इसी के आसपास के यहाँ से भी टारगेट आ रहे हैं, इसी के आसपास के यहाँ से भी टारगेट आ रहे हैं, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी तरीके का एक चार्ट पैटर्न और दिखाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए टेनला प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से ये चीजें, देखिए यहाँ पर एक कप बना रहा था, कप बनाने के बाद यहाँ हैंडल, और मैंने यहाँ पर ही आपको स्टॉक्स बताया था और आपको बताया था कि किस तरीके से काफी लंबे कंसोलिडेशन से चीजें चल रही है, एज वेल एज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अपर सर्किट में चीजें ऊपर गई थी, आज भी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है 5% का, तो यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न मिल गए, और वो भी कितने टाइम में, तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो आपको पता चलेगी लगभग लगभग 82% 80% के रिटर्न आपको कितने टाइम फ्रेम में मिल गए, यहाँ पर देखिए 12 अक्टूबर से अभी लगा लीजिए 1.5 महीने के अंदर 80% के रिटर्न। तो चीजों को समझने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई, पर मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, ओके यहाँ पर वीडियो आपको, सॉरी मैट्रिमोनी तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपको ये टेनला प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी और आपको बताया गया था। देखिए 2 महीने पहले यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर लो रिस्क 1320 का टारगेट मैंने बताया था, तो 1320 क्या 1320 को यहाँ पर पार करते हुए चीजें ऊपर की तरफ भी निकल गई है। तो यहाँ पर टारगेट आ रहा था 1320 रुपए के आसपास, जो कि हमारा एग्जैक्ट टारगेट था, उसे मीट किया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर चीजें ऊपर दोबारा निकल गई। तो इसी तरीके से matrimony.com ये भी देखिए काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है चीजें, यहाँ पर से जब निकलेगी तो अच्छा खासा रिटर्न देती हुई जाएगी। तो बाइक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है, जितना हो सके हमें सपोर्ट करना है, दूसरी वीडियोस को जाके देखना है, हमसे कांटेक्ट करना है तो नीचे नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करिए, सर्विसेज लीजिए। आपको अगर थोड़ा सा पैसा दे के आपको अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सर्विस लेनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।